डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले 45 सेंटीमीटर डाया का एक कार्डबोर्ड कट कर दिया है। उसके बाद इसे हैंग करने का प्रोविजन बनाएंगे, तो इस तरह से आप इसे पंच कर लीजिए और किसी भी थ्रेड की हेल्प से एक लूप बनाकर इसे अटैच कर लीजिए और इसे मास्किंग टेप की हेल्प से सिक्योर कर लीजिए। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक स्पून्स का यूज़ किया है। ये आप पैकेट देख सकते हैं, इसमें अराउंड 125 स्पून्स हैं और ऐसे मुझे 2 पैकेट्स लगे हैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए। अब इन स्पून्स को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। सभी स्पून्स को आपको कट कर लेना है। डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने मिरर के साइज़ का एक राउंड सर्कल बना लूँगी जो कि मेरा रेफरेंस सर्कल होगा। आप किसी भी साइज का मिरर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 20 सेंटीमीटर डाया का मिरर यूज़ किया है और ये मैंने लोकल मार्केट से कट करवा के लिया था। जो मिरर की शॉप होती है वहाँ से आप कट करवा के ले सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से या ग्लू गन की हेल्प से अपने स्पून्स को इस तरह से आप स्टिक कर लीजिए। ये एक लेयर बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से मुझे सेकंड लेयर भी बनाना है। मैंने कार्डबोर्ड पर ग्लू लगाकर स्पून्स को चिपकाया है। आप स्पून्स की एजेस पे भी ग्लू लगाकर इसे चिपका सकते हैं। मैंने दोनों वे में इसे बनाया है। इस तरह से सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है। आप इसे ध्यान रखिए कि आपको इसे आउटर से इनर डायरेक्शन में बनाना है। आप इसे बनाते समय ये भी ध्यान रखिए कि डिजाइन्स के बीच में गैप ना हो। इस तरह से चार रो बन गई है और मुझे अब फिफ्थ रो यानी लास्ट रो बनाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मिरर को प्लेस कर दूंगी उसकी पोजीशन पे, देन स्पून्स को स्टिक करूंगी। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मेरा डिज़ाइन परफेक्ट बने, एक राउंड शेप परफेक्ट आए। इस तरह से मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और मैं इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद आप मिरर को हटा लीजिए और इसे गोल्डन स्प्रे पेंट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 3 कोट्स अप्लाई किए हैं। ड्राई होने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। अब आप किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू या ग्लू गन की हेल्प से मिरर को स्टिक कर लीजिए। स्टिक करने के बाद इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दीजिए और इस तरह से आपका डिजाइन रेडी है। आप इसका फाइनल रिवील देख सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं कितने इजी वे में इसे हमने बनाकर रेडी कर लिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये DIY कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।